गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th ग्रेड, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास. टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. द डेरिवेशन इज इन टू पार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिवाइज द रूल्स दैट इज इन डेरिवेशन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म. फर्स्ट रूल इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. ठीक है, ये मैथमेटिकल्स प्रॉपर्टीज हैं आपने जो की हुई हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल्स के सारे सम का एंगल्स होते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ठीक है, ये वो वाली प्रॉपर्टीज हैं जो हम डेरिवेशंस में यूज़ करेंगे. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. ठीक है, जो सम ऑफ जो ट्राइंगल होते हैं उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. सेकेंड इज थर्ड वन इज वर्टिकल अपोजिट एंगल. ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं, जैसे ये दो लाइंस हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं. ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. फोर्थ इज द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट एंटीरियर एंगल. ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, जैसे दिस वन इज एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, डी इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है, दिस मीन्स द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट एंटीरियर एंगल्स. राइट, नाउ डेरिवेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज इमर्जेंट रे. ठीक है, व्हेन वी दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे. ठीक है, हमने इमर्जेंट रे को पास में करना है, तो यहाँ पर मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था कि एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा, सब बनेंगे. ठीक है, इसमें से हमने क्या करना है, एम पी ओ क्यू. ठीक है, इसमें से हमने एम पी क्यू मीन्स ये ट्राइंगल ले लेनी है जिसमें डेल्टा एंगल बन रहा है एम पी क्यू. इसमें एक डेल्टा वन एंगल, एक डेल्टा वन टू है. ठीक है, इसमें हमने एंगल्स को सेपरेट कर दिया, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू. इसमें अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, देखो मैंने बोला था ना, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स. ठीक है, दिस इज ऑपोजिट एंगल्स, तो क्या आ गया, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू. बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फोर दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. नेक्स्ट बेटा जो डेल्टा आई है, ठीक है, सी हेयर डेल्टा आई, दिस इज वर्टिकल, ये देखो क्रॉस बन रहा है, दिस आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आई प्लस आर डेल्टा वन प्लस आर वन. ठीक है, ये पूरा एंगल हो गया, तो ये क्या आ गया, आई इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. तो इसमें से हमने डेल्टा वन की वैल्यू निकाल लेनी है, दैट इज आई माइनस आर वन. नेक्स्ट सिमिलरली एंगल ई, ठीक है, एंगल ई यहाँ पर दिस इज एंगल ई. ठीक है, इमर्जेंट रे और नॉर्मल में जो एंगल होता है वो एंगल ई, वो होता है एंगल ई. ठीक है, जो इंसिडेंट जो इमर्जेंट रे में और नॉर्मल में एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंट, वो सेम प्रॉपर्टी वर्टिकल ऑपोजिट वाली ये लगेगी, एंगल ई इक्वल टू आर टू प्लस डेल्टा टू. ठीक है, इससे यहाँ से हम डेल्टा टू की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, ये भी कौन से आ गए, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. तो यूजिंग टू एंड थ्री, अब हमने डेल्टा वन एंड डेल्टा टू की वैल्यू वन इक्वेशन में क्या करनी है, पुट करनी है. ठीक है, तो पुट कर करके आ गया हमारे पास डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस डेल्टा एंगल ई माइनस आर टू. इसे हमने कैसे लिख सकते हैं, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू. राइट, नेक्स्ट बेटा अब हमने लेनी है क्वाड्रिलेटरल. ये देखो ये पूरी क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना, ये सारी क्या होगी, क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, अब बेटा देखो दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, तो ये वाले एंगल हमारे हो गए 90 डिग्री. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ी थी, पहली प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ठीक है, हमने ये क्वाड्रिलेटरल ले ली. ठीक है, जहाँ पर नॉर्मल है वहाँ पर हो गए 90 डिग्री. 90 प्लस 90 180 मीन्स 360 से हमारे 180 एंगल तो आ चुका है. ठीक है, रह गए बाकी 180 डिग्री. सी मैंने सेपरेट डायग्राम बनाई है, वहाँ पर देखो ये देखो.
ठीक है, ए पी क्यू एन, ये वाले यहाँ पर नॉर्मल था, वहाँ तो हो गए 90 डिग्री। अब हमारे पास सिर्फ रह गया एंगल ए प्लस एंगल एन, जो कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि 360 में से हमने एंगल पी एंड एंगल क्यू माइनस कर दिया, मीन्स 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो 360 में से कितना रह गया 180 डिग्री। तो हमारे पास रह कौन कौन से एंगल गए, एंगल ए थे एंगल एन, एंगल ए एंड एंगल एन, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल एन इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों 180 रह गए ना, 180 हमारे पास आ चुका है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अब हमने क्या लेना है, ये वाला पोर्शन लेना है पी क्यू एन वाला, ठीक है, हमने अब लेना है पी क्यू और एन वाला पोर्शन लेना है। यहाँ पर क्या है, आर वन आर टू एंड एन, हमें पता है सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो उसे हमने फिल कर देना, आर वन प्लस आर टू प्लस एन इक्वल टू 180 डिग्री। हमें चाहिए कहाँ पर, यह देखो हमें एन की वैल्यू चाहिए ना, वहाँ जहाँ पर ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, हमने एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेरिवेशन मीन्स डेल्टा डेविएशन में हमने रिलेशन निकालना है। तो हमारे पास ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, मीन्स हमारे पास जो ए है इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, कैसे हम पुट करेंगे, यहाँ पर जो हमारी लोअर ट्राइंगल थी उसमें से हम क्या ले लेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो आर वन प्लस आर टू प्लस एन इक्वल टू 180 डिग्री, तो एन हमारे पास कितना आ गया 180 डिग्री माइनस आर वन माइनस आर टू, तो एन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है, कहाँ क्या आ गया हमारे पास, एंगल ए प्लस 180 डिग्री माइनस आर वन माइनस आर टू इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 180 के साथ 180 कैंसिल, ठीक है, आर वन उसे हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या बन गया, एंगल इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन स्टार, जो हमारी पिछली इक्वेशन थी, देखो ये क्या थी हमारी, जो पहले इक्वेशन आई थी वो ये थी ना, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, ठीक है, माइनस आर वन प्लस आर टू, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फाइव क्या आ गया, आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल आ गया, एंगल ए के, ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए के इक्वल आ गया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई, ठीक है, अब हमारे पास किस किस में रिलेशन आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे में, ठीक है, दिस इज द रिलेशन दिस इज द डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, प्लीज रिवाइज इट, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।